नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लोरीन के बारे में। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए फ्लोरीन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हम वीडियो में वही क्वेश्चन लेते हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर दोस्तों आगे पूछे जाने की संभावना होती है। दोस्तों, सेशन में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो फिर चलिए दोस्तों, आपका समय खराब ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1 लीटर पानी में मानव शरीर को, दो बार मानव लिख दिया दोस्तों, मानव शरीर को कितनी फ्लोरीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए 0.5 से लेकर के 0.8 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 0.8 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 2.8 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 8.2 मिलीग्राम। तो भैया, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0.5 से लेकर के 0.8 मिलीग्राम। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपको समझने बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो फ्लोरीन होता है, इस फ्लोरीन को हम भैया पानी की फॉर्म में पीते हैं। किसकी फॉर्म में पीते हैं दोस्तों? पानी की फॉर्म में पीते हैं। दोस्तों, 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में आपको कितनी फ्लोरीन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, आपको 0.5 से लेकर के 0.5 से लेकर के 0.8 मिलीग्राम फ्लोरीन की आवश्यकता होती है। बात क्लियर है? मैंने क्या कहा दोस्तों, मैंने आपसे यह कहा कि जो फ्लोरीन होता है उस फ्लोरीन को हम पानी की फॉर्म में पीते हैं। दोस्तों, 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में आपको 0.5 से लेकर के 0.8 मिलीग्राम फ्लोरीन की आवश्यकता होती है। क्या यह बात आपको समझ में आई? अब बात करते हैं दोस्तों आयरन की, लोहा की, जिसे आप दोस्तों किससे लिखते हो? Fe से दर्शाते हो या फिर Fe से लिखते हो। दोस्तों, एक नॉर्मल जो लड़का होता है, एक व्यस्क जो लड़का होता है, उसे प्रतिदिन कितनी लोहे की आवश्यकता होती है या फिर कितने आयरन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 0.8 मिलीग्राम प्रतिदिन की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने यहां पर फ्लोरीन को लीटर में लिखा था, लीटर में, लेकिन दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है प्रतिदिन की बात हो रही है इन तीनों में। किसकी? प्रतिदिन की। बात क्लियर है? तो एक सामान्य लड़के को दोस्तों लोहा की कितनी आवश्यकता होती है? तो भैया 0.8 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अगर दोस्तों मैं आपसे यही क्वेश्चन लड़कियों के लिए पूछूं कि भैया एक सामान्य लड़की को, एक व्यस्क लड़की को प्रतिदिन कितने आयरन की आवश्यकता होती है? तो भैया 2.8 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। बात क्लियर है? एक लड़की को प्रतिदिन। क्या ये बात आपको समझ में आई? लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि भैया जो प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, जो प्रेग्नेंट जो महिला होती है, जिसे आप गर्भवती महिला भी कहते हो, उसे प्रतिदिन कितने आयरन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 8.2 मिलीग्राम प्रतिदिन दोस्तों उसे किसकी आवश्यकता होती है? आयरन की आवश्यकता होती है, लोहे की आवश्यकता होती है गर्भवती महिला को। क्या दोस्तों आपको ये कहानी समझ में आई? क्या स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। दोस्तों, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1 लीटर पानी में मानव शरीर को कितनी फ्लोरीन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फ्लोरीन होता है, इस फ्लोरीन को दोस्तों हम पानी की फॉर्म में पीते हैं। दोस्तों, 1 लीटर पानी में आपको 0.5 से लेकर के 0.8 मिलीग्राम फ्लोरीन की आवश्यकता होती है। बात क्लियर है? अगर दोस्तों मैं लोहे की बात करूं, अगर मैं आयरन की बात करूं, जिसे आप Fe से दर्शाते हो, दोस्तों एक लड़के को, एक सामान्य लड़के को 0.8 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है, जैसा कि मैंने यह लिख रखा है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं लड़की की बात करूं दोस्तों, तो एक लड़की को,
एक लड़की को प्रतिदिन दोस्तों 2.8 मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता होती है दोस्तों प्रतिदिन। बात क्लियर है। अगर मैं प्रेग्नेंट लेडी की, अगर मैं गर्भवती महिला की बात करूं दोस्तों, तो 8.2 मिलीग्राम प्रतिदिन दोस्तों उसे आयरन की आवश्यकता होती है लोहे की। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फ्लोरीन के स्रोत है दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए मछली का यकृत, ऑप्शन नंबर बी है टमाटर, ऑप्शन नंबर सी है गोभी, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बात क्लियर है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हम फ्लोरीन को पानी की फॉर्म में पीते हैं, तो दोस्तों पानी तो इसका सबसे अच्छा स्रोत है जो है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि मछली के यकृत में दोस्तों, जी हाँ मछली के यकृत में फ्लोरीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा टमाटर में भी पाया जाता है, इसके अलावा गोभी में भी पाया जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखने हैं, बिल्कुल आसान है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि कंडरा, जिसे दोस्तों टंडन कहा जाता है, के निर्माण में कौन सा खनिज तत्व सहायक होता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों लोहा। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन होगा। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि कंडरा क्या होता है, टंडन क्या होता है। देखिए दोस्तों ये कोई आपकी हड्डी है और एक ये हड्डी है बोन। दोस्तों दो हड्डियों को जोड़ने में कौन सहायक होता है, तो भैया दो हड्डियों को जोड़ने में सहायक होता है लिगामेंट। कौन सहायक होता है दोस्तों, लिगामेंट सहायक होता है। इसे स्नायु या फिर दोस्तों तंतु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्नायु या फिर तंतु भी कहा जाता है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि दो हड्डियों को जोड़ने में सहायक होता है लिगामेंट, जिसे स्नायु या तंतु भी कहा जाता है। बात क्लियर है। दोस्तों जो हड्डी होती है, इस हड्डी से दोस्तों पेशी जुड़ी हुई होती है। ये क्या है, ये पेशी है दोस्तों, ये हड्डी है ना, हड्डी से पेशी जुड़ करके इसे गति प्रदान करने में सहायक होती है। तो भैया जो पेशी होती है ये हड्डी से जुड़ करके, मैं लिख देता हूं स्पष्ट रूप से, पेशी अस्थि से जुड़कर गति प्रदान करवाती है, गति प्रदान करती है। बात क्लियर है। लेकिन दोस्तों बात यह आती है कि जिस तरीके से दो हड्डी आपस में लिगामेंट या स्नायु की सहायता से जुड़ी होती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों पेशी को, इस पेशी को हड्डी से जोड़ने में कौन सहायक होता है, तो भैया पेशी को हड्डी से जोड़ने में सहायक होता है टंडन, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कंडरा, यह सहायक होता है। बात क्लियर है। आशा करता हूं दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो कंडरा होता है, जो टंडन होता है, इसके निर्माण में कौन सा खनिज तत्व सहायक होता है, तो भैया फ्लोरीन सहायक होता है। अगर दोस्तों मैं कैल्शियम की बात करूं तो जो कैल्शियम होता है ये दोस्तों घाव भरने में सहायक होता है, घाव भरने में सहायक होता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी अस्थि होती है, जो हमारी अस्थि होती है, इन अस्थियों के निर्माण में भी सहायक होता है।
क्या ये बात क्लियर है? अगर दोस्तों मैं क्लोरीन की बात करूं तो दोस्तों आपको पता है जो क्लोरीन होता है ये हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके किसका निर्माण करता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है जो कि हमारे पेट में पाया जाता है। दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या क्या कार्य है, तो दोस्तों ये जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये भैया जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। इसके अलावा जो आपका भोजन होता है इस भोजन के पाचन में भी सहायक होता है, दिख रहा है ना आपको? हाँ, ये भोजन के पाचन में भी सहायक होता है। अब बात करते हैं लोहा की, तो दोस्तों जो लोहा होता है ये हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या है, एक जटिल प्रोटीन है। क्या है दोस्तों? एक जटिल प्रोटीन है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए इनेमल, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों फीमर, ऑप्शन नंबर सी है जबड़े की अस्थि, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों स्टेपीज। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इनेमल। अब दोस्तों बात यह आती है कि भैया ये इनेमल होता क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो दांतों का सफेद आवरण होता है वो दोस्तों क्या है, वो दोस्तों इनेमल होता है। यानी दांतों का जो सफेद आवरण होता है दोस्तों उसे इनेमल कहा जाता है। और इस इनेमल के निर्माण में कौन सहायक होता है, इस इनेमल के निर्माण में कौन सहायक होता है, तो भैया फ्लोरीन सहायक होता है। कौन सहायक होता है? फ्लोरीन। हम खनिज तत्वों की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन सहायक होता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? मैंने क्या कहा दोस्तों कि दांतों का जो सफेद आवरण होता है वो इनेमल होता है और इनेमल के निर्माण में कौन सहायक होता है, तो इनेमल के निर्माण में दोस्तों फ्लोरीन सहायक होता है। क्या ये बात क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों फीमर के बारे में। तो भैया जो फीमर होता है ये फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है, बात क्लियर है। और दोस्तों स्टेपीज की बात करूं मैं तो भैया ये मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, बात क्लियर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि फीमर है और मानव शरीर की दोस्तों सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, स्टेपीज है। ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं जबड़े की अस्थि। तो दोस्तों ये जबड़े की अस्थि मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है, सबसे मजबूत अस्थि होती है। दोस्तों जबड़े की दो अस्थि होती है, एक होता है ऊपरी जबड़ा और एक होता है दोस्तों निचला जबड़ा। दोस्तों जो ऊपरी जबड़ा होता है उस अस्थि का नाम है मैक्सिला और दोस्तों जो निचला जबड़ा होता है उस अस्थि का नाम है मैंडिबल। दोस्तों मैंने क्या कहा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है भैया फीमर, ये पैर में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपीज, ये कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है जबड़े की अस्थि। जबड़े की अस्थि दोस्तों दो होती है, ऊपरी जबड़े की अस्थि को मैक्सिला कहा जाता है, निचले जबड़े को दोस्तों मैंडिबल कहा जाता है। बात आती है क्वेश्चन पर कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो भैया इनेमल है, बात क्लियर है। दांतों का जो सफेद आवरण होता है सबसे बाहरी जो आवरण होता है वो इनेमल होता है और इसके निर्माण में दोस्तों फ्लोरीन सहायक होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए है दांतों में क्षरण पैदा होती है, ऑप्शन नंबर बी है इनेमल डैमेज हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा
वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों। कहने का मतलब दोस्तों ये दोनों बीमारियां होती है भैया फ्लोरीन की कमी से। पहली बीमारी क्या है ये समझते हैं कि दांतों में सड़न पैदा होती है। इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों, आपके जो दांत होते हैं ना ये दांत बीच बीच में से टूटने लग जाते हैं, ये दांत बीच बीच में से टूटने लग जाते हैं, बीच में से खरने लग जाते हैं दोस्तों। तो उस बीमारी को कहा जाता है कि भैया दांतों में क्षरण पैदा होती है। किसकी कमी से होता है ये, फ्लोरीन की कमी से होता है। पहली बात समझ में आई आपको। दूसरी बात क्या है कि इसमें इनेमल डैमेज हो जाता है दोस्तों। दांतों का जो सबसे बाहरी आवरण होता है जिसे सफ़ेद पदार्थ भी कहा जाता है, जो सफ़ेद आवरण होता है वो दोस्तों इनेमल का होता है, वो इनेमल होता है। तो दोस्तों और ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये भी बताया था कि जो इनेमल होता है ये मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। बात क्लियर है? तो इसमें जो इनेमल होता है ये दोस्तों डैमेज हो जाता है, ये इनेमल डैमेज हो जाता है और दोस्तों काले धब्बे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं दांतों पर। बात क्लियर है? एक बीमारी और है दोस्तों जिसमें भी काले धब्बे पड़ते हैं, फ्लोरोसिस। अगले क्वेश्चन में आपको चर्चा करने वाला हूँ। फिलहाल दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अब करते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पानी में फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरोसिस। बात क्लियर है? आपका राइट आंसर कौन सा होगा, फ्लोरोसिस। दोस्तों ये जो बीमारी होती है ये पानी में फ्लोरीन की कमी से होती है। आप फ्लोराइड भी कह सकते हो कि भैया फ्लोराइड की कमी से ये बीमारी होती है। अगर मैं ऑस्टियोमलेशिया की ऑस्टियोपोरोसिस की बात करूं दोस्तों तो भैया ये कैल्शियम की कमी से होती है और साथ ही साथ में विटामिन डी की कमी से भी ये बीमारी होती है। फ्लोरोसिस में क्या होता है, आपके दांतों पर काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं, आपके दांतों पर काले धब्बे पड़ने लग जाते हैं। बात क्लियर है? ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है दोस्तों, ये बीमारी वयस्क में होती है और इस बीमारी में आपकी जो हड्डी होती है वो हड्डी बहुत ही कमजोर हो जाती है, इंसान बिल्कुल दुबला पतला दिखाई देता है। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करूं दोस्तों तो इसमें क्या होता है, आपकी जो हड्डियां होती है उन हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। ये मैंने दोस्तों कैल्शियम की जब मैंने क्लास ली थी दोस्तों तो उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था कि भैया ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो दोस्तों स्क्रीन शॉट नहीं लिया है तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।